देखिए, कल हाईकोर्ट के ऑर्डर हम पूरी तरह से पढ़े नहीं, लेकिन स्पष्ट है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना सबूत के 5 महीने के लिए आप जेल भेज देते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा से बड़ा कोई तानाशाह नहीं है, इससे बड़ा तानाशाह नहीं है। और चिंता की विषय ये है कि क्या हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी व्यक्ति के नाते बिना सबूत का 5 महीना जो आपने जो जेल भेजा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन से ईडी के पदाधिकारी के ऊपर आप लोग कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जो भी ईडी के पदाधिकारी ने ये इतना बड़ा कुकर्म किया, उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि ईडी इतने गलत कर रहा है और पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी को पकड़ करके 5 महीना भेज दें, और आप सब लोगों को यही बात है, अगर मुख्यमंत्री को बिना सबूत के जेल भेज सकते हैं 5 महीने के लिए, तो इस देश में गरीब आदमी तो 20-20 साल सड़ेगा। आक्रोश है पूरे झारखंड में, और झारखंड की राजनीति में तो मुझे लगता है कि एक भूचाल एक तरीके से जरूर है, क्योंकि अब पूरे गरीब लोग, अनुसूचित जाति जनजाति जनरल कैटेगरी के गरीब लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक, मुझे लगता है कि इस बार के झारखंड के चुनाव में गोलबंद होंगे। मुझे जो लग रहा है, ये लोग बोल रहे ना कि अब मैं सुन रहा था हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे थे कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अंदर से जिस तरह से जो है अंडर करंट चल रही है। आप लोग से एक ही चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, पिछले 20 दिन में मोदी जी के सरकार में ट्रेन दुर्घटना हुई, नीट के 3-3 परीक्षा लीक हो गया, छत गिर गया। अब बकवास देख लीजिए, 2008 का कंपनी का बनाया हुआ, इसका मतलब है कि जो रेलवे ट्रैक है तो अंग्रेज ने बनाया, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए जिम्मेदारी से बचने के लिए। जितना मतलब है कि कल अश्विनी वैष्णव बोलेगा कि रेलवे ट्रैक हमारी गलती नहीं है, अंग्रेजों को पकड़ो। बिल्डिंग गिर गई, दिल्ली में मंत्री के घर के अंदर पानी आ गया, ये सब नतीजे सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो है धर्म की राजनीति के चलते हैं, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ बना करके जो मूल विषय है, पानी का समस्या, नाली का समस्या, पढ़ाई की समस्या, बेरोजगारी को ध्यान भटकाने के लिए, और अब जो है 10 साल के इनके कुकर्म के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली में मंत्री के घर के अंदर जो है 2 फीट पानी आ गया है, ये है मोदी जी का नया भारत, बेरोजगारी, नीट का परीक्षा के बारे में। तो इसलिए 15 दिन में जो आप देख सकते हैं वो अगले 5 साल का कितना बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत जी का रिहाई से जो है झारखंड में एक नया, पूरे इंडिया अलायंस में एक नया ऊर्जा आपको दिखाई देगा, और झारखंड में फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे सर, उम्मीद करते हैं। देखिए, जो हमारा जो एनालिसिस है कि झारखंड में जो है सरकार इस पिछले बार से ज़्यादा नंबर में आ जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं पहुँचते इतने जल्दी। ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, इतना जल्दी नहीं आते। मैं बता रहा हूँ, पैसे के लिए, सबके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए पहुँच गए मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो 5 आदिवासी सीटें आप लोगों ने जीती थी, अब जब जेल से बाहर हैं तब क्या रिजल्ट होगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आदिवासी सीट में तो स्वीप तो होगा ही, लेकिन आदिवासी समाज जो है और SC समाज और गरीब अल्पसंख्यक समाज, सब लोग के जो प्रभार जो है 12-13 सीट और पर है, और जनरल सीट में भी देखिए, ये नीट वीट का जनरल पर, जैसे हमारे जमशेदपुर शहर में इतने अभिभावक हैं जो नीट के परीक्षा दिए हैं। इस देश में आप और हम जैसे लोग जो मध्य वर्ग से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, हमारे जीवन सुधार के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? सिर्फ परीक्षा है, मेडिकल एंट्रेंस? आपका बेटा हो या कोई जमशेदपुर का कोई बच्चा हो, हम अपने जिंदगी कैसे बनाते हैं? आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अगर वो परीक्षाएं जो है उसमें गफला है, घोटाला है, तो कोई भी आप और हम जैसे कोई भी जमशेदपुर के जितने भी मध्य वर्ग है वही यही सवाल कर रहा है ना कि हमारा बच्चे को जब नीट में वो सक्षम है और एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए दोषी BJP है।
व्यापम, आप चीज याद रख, जो व्यापम का जो समय का जो चेयरमैन था ना, जो परीक्षा कराया था, वो आज एनटीए का चेयरमैन है, उसको नहीं हटाया। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था अपने जमाने में, उस आदमी को अभी तक भाजपा ने नहीं हटाया। वो सीईओ का हटाया, आईएएस ऑफिसर को, जो चेयरमैन है एनटीए का, एनटीए का चेयरमैन जोशी, अगर मुझे याद है अरविंद जोशी नाम है, जोशी तो याद है मुझे है, अभी भी बना हुआ है। उसने व्यापम कराया छत्तीसगढ़ में, जो घोटाला कराया यूपीएससी में, अभी घोटाला करा रहे। तो इस देश के मध्य वर्ग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जो अंकल आंटी लोग जो कॉलोनी में जो है गंजी पहन करके बैठते हैं, उनको मैं समझाऊंगा, भाई साहब आपका पोता का जो है ना एडमिशन नहीं होने वाला है, आप मोदी मोदी करना बंद करो, पोता जो है पढ़ाई करेगा लेकिन नीट का पेट पे लीक होगा, तो आप जो है मोदी मोह जो छोड़िए और रोड पर उतरिए और भगाइए इन लोग। चलिए, थैंक यू।